आज मैं लेकर आई हूँ आम की लौंजी। ये कच्चे आम से बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी का हम मजा केवल आम के सीजन में ही ले सकते हैं। ये स्वाद में मीठा, खट्टा और तीखा होता है। इसमें मीठापन लाने के लिए गुड़ या शक्कर दोनों का इस्तेमाल होता है। तो आज इस रेसिपी को मैं गुड़ से बनाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, गुरमी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है आम की लौंजी। तो इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पर सबसे पहले कच्चे वाले आम। यहाँ पर ये 300 ग्राम है। मैं इसके ऊपर के ये वाले हिस्से को हटा दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आम को हम सबसे पहले धोकर फिर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे छील लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके छिलके को हटा लीजिए। अगर आपको लग रहा है छिलका थोड़ा नरम है तो आप छिलके सहित भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो छिलके होते हैं वो थोड़े कड़क होते हैं तो वो खाने में कड़वे लगते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छिलके को हटा ली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरे आम के छिलके को छील कर हटा लूंगी। अब यहाँ पर मैं इसे काटूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे बीज से अलग करूंगी। तो यहाँ पर मैं इसके बीज को अलग करने के लिए पहले जो ये सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसे अलग अलग काट लूंगी। तो यहाँ पर मैं बीज को अलग कर लूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं बीजों को अलग कर ली हूँ तीनों आम से। अब मैं इसे काटूंगी। तो यहाँ पर आप इसे बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा बड़ा ना रखें। यहाँ पर मैं जिस तरीके से वीडियो में काट रही हूँ आप उसी तरीके से काटें। तो यहाँ पर ये जो साइज है वो सही रहेगा। तो मैं पहले इसे इस तरीके से काट ली हूँ। अब बीच से इसे मैं इस तरीके से काटूंगी। ये आप देख सकते हैं इस साइज के आम के टुकड़े आप रखें। तो यहाँ पर मैं सभी आम को इसी तरीके से काट लूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सभी आम को काट ली हूँ, ये देख सकते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इस आम को एक प्लेट में ले लूंगी और यहाँ पर मैं गैस पर चढ़ाऊंगी कढ़ाई और मैं इस पर डालूंगी 2 चम्मच तेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सरसों तेल का इस्तेमाल करी हूँ, इससे लौंजी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं डाली हूँ मेथी के दाने 1/4 चम्मच, साथ में ही मैं डाली हूँ जीरा 1/4 चम्मच, साथ में ही मैं डाली हूँ कलौंजी 1/4 चम्मच, साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग। अभी मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डाली हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी आम को। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले आप जरूर डालें, इससे जो लौंजी में टेस्ट आता है और जो लौंजी की खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पर आम को 1 मिनट के लिए भूनूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आम को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए इस तरीके से चम्मच चलाकर भून लीजिए। अब यहाँ पर मैं डालूंगी हल्दी का पाउडर। तो 1/4 चम्मच में हल्दी का पाउडर डाली हूँ। हल्दी का पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार फिर से चला ली हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं इस पर डालूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाली हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 1 कप में इस पर पूरा पानी डाल दी थी और इसे एक बार और मिलाकर फिर मैं इसे ढककर रख दूंगी। हमें यहाँ पर आम को अच्छे से पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ढककर कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आम को अच्छे से पका ली हूँ। एक बार मैं ढक्कन खोलकर देख लूंगी कि आम पके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी अच्छे से सूख गया है और आम भी पक गया है। हमें यहाँ पर आम को अच्छे से पकाना है। तो अगर आपको लग रहा है आम अभी भी इस तरीके से नहीं पका हुआ है तो आप थोड़ा सा और पानी डालकर इसे पका लीजिए। यहाँ पर आम पक गया है। अब इस पर मैं लास्ट में डालूंगी गुड़। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1/4 कप गुड़ ली हुई थी और साथ में ही मैं डालूंगी गरम मसाला 1/4 चम्मच, साथ में ही मैं डालूंगी काला नमक 1/2 चम्मच और साथ में ही 1/4 चम्मच मिर्ची का पाउडर। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला दूंगी और जब तक के गुड़ यहाँ पर अच्छे से घुल ना जाए तब तक के हमें इसे पकाना है। हमें इसे बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, आप अलग अलग गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो समय उस हिसाब से लगेगा कि गुड़ कितने देर घुलने में समय लेता है। तो यहाँ पर जैसे ही गुड़ घुल जाएगा बस हमें 1 उबाल आने तक के इसे थोड़े देर गैस पर रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं फ्लेम को अभी भी लो रखी हुई हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ अच्छे से घुल गया है और ये अभी इतना गाढ़ा है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर बस मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये इतने अच्छे से गाढ़ा हो गया है और आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है। ये खट्टा, मीठा और तीखा तीनों होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं गुड़ का इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहते हैं तो आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो आपको आम की लौंजी की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।